तय हो गया अब आदमखोर का शिकार, द ग्रेट हंटर को मिली आदमखोर भेड़िये के खात्मे की जिम्मेदारी, जिसके अचूक निशाने से कोई भी नरभक्षी बच नहीं पाया, उस नवाब को मिलेगी भेड़ियों के खात्मे की जिम्मेदारी। वो बाघ से भी ज्यादा फुर्तीला है, वो चीते से भी ज्यादा तेज है, उसकी आंखों में स्कैनर है, वो पंजों के निशान से जानवर का कद और उसका मिजाज भांप लेता है, उसका निशाना अचूक है, आदमखोर भी जिसकी आहट से दुबक जाते हैं, उसे दुनिया द ग्रेट हंटर के नाम से जानती है। 66 साल की उम्र में शेरों जैसे तेवर, जंगल में मदमस्त हाथी जैसी चाल और आंख बंद कर भी निशाना लगाने में माहिर शिकारी को अब मिली है बहराइच के आदमखोर भेड़ियों के खात्मे की जिम्मेदारी। 50 दिन में 10 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है बहराइच का आदमखोर भेड़िया। पूरी सरकार, पूरा वन महकमा भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है। सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है लेकिन नाकाम रही है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े एक्सपर्ट भी अब बहराइच में सरेंडर कर चुके हैं। ये आदमखोर भेड़िये बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वन महकमा एक जगह जाल बिछाता है तो आदमखोर वहां से कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। यही वजह है कि अब सरकार ने भेड़ियों को आदमखोर और नरभक्षी घोषित कर उनको मारने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि अब आदमखोर भेड़ियों के खात्मे के लिए देश के सबसे बड़े हंटर, सबसे बड़े शिकारी को बुलावा भेजा गया है। नाम है उसका नवाब शफत अली खां। अब तक 40 से ज्यादा आदमखोर जानवरों को शिकार कर चुका है ये 66 साल का शिकारी। उसका निशाना चूक है, उसके हथियारों का कोई शानी नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियों में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान में रहकर वहां के वन्य जीवों की देखभाल करने वाले शफत अली खां हैदराबाद के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शफत अली खां के दादा पिता भी एक मशहूर शिकारी हुआ करते थे। शफत अली खान के दादा नवाब सुल्तान अली खान ब्रिटिश प्रशासन के वन्य जीव सलाहकार थे। बचपन से ही शफत अली खां को जंगल, शिकार और शिकारियों की संगत मिली। महज 5 साल की उम्र में शफत अली खां ने राइफल शूटिंग में पुरस्कार जीता। 19 साल की उम्र में पहले आदमखोर को अपना शिकार बनाया। 1976 में मैसूर के एक दुष्ट हाथी जिसने 12 लोगों को शिकार बनाया था उसको गोली मार कर पहले आदमखोर का शिकार किया। उसके बाद तो देश में कहीं पर भी आदमखोरों के खात्मे के लिए सिर्फ भरोसे का एक ही नाम नजर आता है, वो नाम है शफत अली खां। लेकिन 2018 में शफत अली खां और उनका बेटा असगर अवनी नाम की एक आदमखोर बाघिन का शिकार करने की वजह से विवादों में घिर गए थे। महाराष्ट्र के यवतमाल में आदमखोर बाघिन अवनी ने दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया था। सरकार ने उसे आदमखोर घोषित करते हुए उसके खात्मे की जिम्मेदारी नवाब शफत अली खां उनके बेटे असगर को दी। असगर ने अपने अचूक निशाने के साथ अवनी को मार गिराया, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसमें नवाब शफत अली खां और बेटे असगर को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके शफत अली खां ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां कहीं पर भी आदमखोर का आतंक दिखा वहां उनके शिकार के लिए असगर और शफत अली खान हमेशा मौजूद मिले। वन रक्षकों को भी यूं तो सरकार ने हथियार दिए हैं, लेकिन उनके हथियारों में और शफत अली खान और असगर के हथियारों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां वन रक्षकों को .303 राइफल या सेल्फ लोडिंग राइफल इस्तेमाल करने के लिए मिलती है, जिन्हें केवल 60 किलो वजन वाले औसत मानों के विरुद्ध उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो आदमखोर बाघ और जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि शफत अली खां और असगर के पास .458 मैग्नम राइफल, .470 डबल बैरल राइफल है। ये दोनों ऐसे अचूक हथियार हैं जो पलक झपकते ही आदमखोरों का शिकार कर लेती हैं। बहराइच के महसी से विधायक सोरेश्वर सिंह ने सरकार से नवाब शफत अली खान को बुलाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी भी दे दी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही आदमखोरों के कहर से बहराइच को निजात मिल सकती है।